एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में दो बहनें गीता और सीमा अपनी विधवा माँ सावित्री के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले ही सावित्री के पति का निधन हो गया था। सावित्री अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण करने के लिए सिलाई क्या करती थी। सीमा तो बहुत अच्छे स्वभाव की थी, वह कभी भी अपनी माँ से किसी चीज की फरमाइश नहीं करती थी, लेकिन गीता उसे तो बस हमेशा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए पैसे चाहिए थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। स्कूल में एग्जाम चल रहे थे, लेकिन गीता एग्जाम देने नहीं जाती। सीमा को उसकी चिंता होने लगती है और वह अपनी बहन को एग्जाम देने के बाद ढूंढने जाती है तो उसे पता चलता है कि वह एक क्लब में दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। वहां जाकर सीमा गीता को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, गीता आज एग्जाम था और तुमने एग्जाम भी नहीं दिया, यह क्लब में अपने आवारा दोस्तों के साथ पार्टी कर रही हो। मम्मी कैसे पाई पाई जोड़कर स्कूल की फीस जमा करती हैं और तुम पूरे साल की फीस इस तरह से बर्बाद कर रही हो। गीता, यह तो गलत बात है। सुन बहन जी, मैं तेरी तरह नहीं हूँ जो बस माँ की चमची बनकर उनके आगे पीछे घूमती रहूँ। मुझे अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है। आज मेरे दोस्त का बर्थडे था, इसे मैं छोड़कर एग्जाम देती। एग्जाम तो मैं दोबारा भी दे दूंगी और वैसे भी तू मुझसे जलती है क्योंकि आए दिन मैं पार्टी करती रहती हूँ और तुझे कोई खास भी नहीं डालता। क्यों दोस्तों, मैं सही कह रही हूँ ना? यार, तेरी इस गंवार बहन ने यहाँ आकर सारी पार्टी का मजा ही खराब कर दिया, इसे यहाँ से भगा दे। अपने दोस्तों की बातें सुनकर गीता अपनी सगी बहन को पार्टी से धक्के मारकर निकाल देती है। सीमा को बहुत दुख होता है और वह रोते हुए घर वापस आ जाती है। सावित्री की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह अपनी माँ को अपनी बहन की शिकायत नहीं लगाती क्योंकि सावित्री की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती। ऐसे ही रिजल्ट का दिन आ जाता है। जब सावित्री दोनों बहनों का रिजल्ट देखती है तो वह गुस्से से लाल पीली हो जाती है और गीता की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उससे कहती है, गीता तुम कैसे फेल हो सकती हो? तुम तो रोज ट्यूशन भी जा रही थी और तुम्हारा कोई एग्जाम भी नहीं छूटा, फिर फेल कैसे हो गई? और सीमा को देखो, वह पूरे स्कूल में फर्स्ट आई है। इसने तो कोई ट्यूशन भी नहीं लिया और घर का सारा काम भी किया। बेटा, मैं कितनी मेहनत से पैसे कमाती हूँ और तुम्हारे स्कूल की फीस जमा करती हूँ और तुम फेल हो गई। मम्मी, अगर मैं पास नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो पूरी मेहनत की थी, अब स्कूल वालों ने ही मुझे फेल कर दिया तो इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। आप हमेशा मुझे ही सुनाती रहती हैं, इस सीमा की बच्ची को तो कुछ नहीं कहती। आप तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हैं जैसे मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। ऐसा कहकर गीता गुस्से में अंदर चली जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। सावित्री एक दिन मार्केट से घर वापस आ रही थी कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब इस बात की खबर गीता और सीमा को लगती है तो दोनों बहनें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती हैं। सावित्री के इलाज में बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। घर में सिर्फ सावित्री काम करने वाली थी और वही चारपाई पर बैठ जाती है। अब घर में जो भी राशन था वह भी खत्म हो जाता है। तभी गीता बहुत गुस्से में अपनी माँ से कहती है, मम्मी, जब आपको हमें ऐसे ही नर्क जैसी जिंदगी देनी थी तो फिर पैदा ही क्यों किया? दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। आप सिलाई कर चार पैसे कमा लिया करती थी, अब तो आप भी चारपाई पर बैठ गई। मेरे दोस्तों में मेरी कितनी इंसल्ट हो रही है मैं ही जानती हूँ। उनसे उधार ले लेकर इतना ज्यादा कर्जा हो गया मेरे ऊपर और आपको तो कोई चिंता ही नहीं है कि आपकी बेटी की जिंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप तो बस आराम से चारपाई पर बैठी हैं। गीता, यह हमारी माँ है और तुम जानती हो पिताजी की मृत्यु के बाद उन्होंने हमें किस तरह से पाल पोस कर इतना बड़ा किया, हमें पढ़ाया, पहनने के लिए कपड़े दिए, खाना खिलाया और आज माँ को हमारी जरूरत है तो तुम इस तरह से सुना रही हो। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैंने कुछ सोचा है। क्या बेटा, क्या सोचा है तुमने? माँ, मैंने सोचा है कि गीता और मैं, हम दोनों आपका सहारा बनेंगे। हम दोनों काम करने जाएंगे, जो भी काम मिलेगा वही काम करेंगे और पैसे कमाएंगे। गीता को हमने बहुत सर पर चढ़ा लिया, जब तक यह काम करके पैसे नहीं कमाएगी तब तक इसे पैसों की अहमियत का अंदाजा नहीं होगा कि पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं।
गीता पहले तो सीमा के साथ काम करने जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन जब सावित्री उसे घर से बाहर निकालने की धमकी दे देती है तो वह चुपचाप काम पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब गीता के दोस्तों को यह पता चलता है कि गीता लकड़ियां बेचने का काम करती है तो उसके दोस्त उसके ऊपर बहुत हंसते हैं। अरे यार गीता, तूने तो हमसे कहा था कि तू कभी कोई काम नहीं करेगी, लेकिन तू तो यहाँ मजदूरी जैसा काम कर रही है। यार हम इस जैसी मजदूर लड़की को अपना दोस्त नहीं बना सकते, हमारा भी एक स्टेटस है, चलो यहाँ से चलते हैं, यह तो बहुत ज्यादा गरीब हो गई। इस सीमा की बच्ची की वजह से आज मेरे दोस्तों में मेरी इतनी इंसल्ट हो रही है, अगर यह माँ को मेरे खिलाफ नहीं भड़काती तो आज मेरे दोस्तों में मेरी इंसल्ट नहीं होती। यह सब कुछ इस 2 टके की बहन जी की वजह से हुआ है। मेरे सभी अमीर दोस्त मुझे छोड़कर चले गए, छोड़ूंगी नहीं, तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। ऐसा सोचकर गीता सीमा के लिए अपने अंदर और भी ज्यादा नफरत पैदा कर लेती है। दोनों बहनें लकड़ियां बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं घर आ रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है। उनके पास एक बच्चा था जो बहुत ज्यादा बीमार था। वह दोनों बहनों से कहती हैं, बेटा बेटा मेरी मदद करो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, अगर इसका समय पर इलाज नहीं हुआ तो यह मर जाएगा, मेरी मदद करो। बढ़िया, तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, पूरे दिन हमने लकड़ियां काटी, इतने धूप में अपना पसीना बहाया और इन्हें बेच कर आए, इतनी मेहनत से हमने पैसे कमाए, और तुझे क्या लगता है कि इतनी आसानी से हम तुझे दे देंगे? तेरा बच्चा मरता है तो हमारी बला से मर जाए, हम तुझे कोई पैसे वैसे नहीं देने वाले, ये भिखारी कहीं से भी आ जाते मुंह उठाकर। गीता देखो तो इनका बेटा कितना ज्यादा बीमार है, अगर एक इंसान दूसरे इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? हमें इनकी मदद करनी चाहिए, अगर हम एक समय खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, किसी की जान तो बच जाएगी। यह लीजिए अम्मा जी पैसे। सीमा की बच्ची तू खुद को क्या समझती है, जब देखो समाज सेवा करने के लिए सबसे आगे आकर खड़े हो जाती है। मैंने तो कुछ पैसे छुपा कर रखे थे, अगर सारे पैसे तुझे दे देती तो आज तो भूखे पेट ही सोना पड़ता। इसी तरह दोनों बहनें कुछ दूर और चलती हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा चमचमाता हुआ फ्रॉक नजर आता है, जिसे देखकर दोनों बहनें ही चौंक जाती हैं कि तभी वहाँ पर एक जादूगरनी आती है और वह दोनों बहनों से कहती है, तुम दोनों का मेरे इस जंगल में बहुत बहुत स्वागत है, शायद तुम रास्ता भटक गई तभी यहाँ पर आई हो, वरना यहाँ पर कोई नहीं आता, और तुमने यह जादुई फ्रॉक भी देख लिया है। अब यह जादुई फ्रॉक तुम दोनों बहनों में से किसी एक का हो सकता है, और तुम जानती हो यह जादुई फ्रॉक कितना ज्यादा शक्तिशाली है, इससे तुम जो भी कुछ मांगोगी वह तुम्हें तुरंत दे देगा, सोना हीरे जवाहरात पैसा कुछ भी। हाँ हाँ जादूगरनी जी, यह जादू फ्रॉक मुझे चाहिए। नहीं नहीं, यह तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा, इसके लिए तुम्हें किसी की बलि चढ़ानी होगी, और वह बलि किसी और की नहीं किसी इंसान की होनी चाहिए। जादूगरनी जी मैं आपको एक इंसान की बलि चढ़ाकर देने के लिए तैयार हूँ, ये रही मेरी बहन, इससे मैं बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, हमेशा माँ की लाडली बनी रहती है और इसी की वजह से मुझे काम भी करना पड़ रहा है, और मेरे दोस्तों में मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट भी होती है, इसलिए मैं अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे यह जादू फ्रॉक दे देना, मैं इसकी धन दौलत से अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करूंगी। सीमा तुम्हारी बहन तुम्हारी बलि चढ़ाने के लिए तैयार है, अगर तुम अपनी बहन की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो तो यह फ्रॉक तुम्हें भी मिल सकता है, यह ऑप्शन तुम्हारे पास भी है। जादूगरनी जी अगर आप दुनिया की सारी धन दौलत भी मेरे कदमों में डाल दोगी तब भी मैं अपनी बहन की बलि नहीं चढ़ाऊंगी। और गीता तुम्हारी यह शब्द सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे लगा था कि तुम छोटी हो नादान हो इसलिए मुझसे बदतमीजी करती हो, लेकिन पैसों के लालच में इतनी अंधी हो जाओगी कि अपनी बहन का खून बहाने के लिए तैयार हो जाओगी, यह मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। ऐसा कहकर सीमा बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है, लेकिन सीमा के इन आंसुओं से गीता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, और वह जैसे ही तलवार उठाकर सीमा की गर्दन उतारने वाली होती है तो वह एक बिल्ली के रूप में आ जाती है। अपनी बहन को बिल्ली के रूप में देखकर सीमा घबरा जाती है, तभी वह जादूगरनी सीमा से कहती है, सीमा यह लो जादुई फ्रॉक यह तुम्हारा है, इससे तुम जितनी चाहो उतनी धन दौलत मांग सकती हो, मुझे हैरान होकर देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बहन को
उसके लालच का फल मिला है। तुम्हारी बहन बहुत ही ज्यादा लालची और बुरे स्वभाव की थी। मैं इसी तरीके से परीक्षा लेती हूँ और जो लालच करता है उसे मैं इसी तरह से जानवर का रूप दे देती हूँ, और जो लालच नहीं करता उसे मैं अपना जादुई फ्रॉक देती हूँ। तुम्हें तुम्हारी अच्छाई का परिणाम मिला है। जाओ, तुम अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जीवन बिताओ। जादूगरनी जी, गीता मेरी छोटी बहन है और मेरी बहन बिल्ली बनकर अपना जीवन यापन करे, यह मुझसे नहीं देखा जाएगा। आप मेरी बहन को ठीक कर दो, चाहे तो आप जादुई फ्रॉक मुझे मत दो, मैं अपनी गरीबी में ही खुश हूँ। बस मेरी बहन को वापस से इंसान बना दो। सीमा, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, तुम्हें मारने के लिए भी तैयार हो गई, फिर भी तुम अपनी बहन के बारे में सोच रही हो। सच में सिर्फ तुम्हारी अच्छाई की वजह से मैं तुम्हारी बहन को इंसान बना रही हूँ। इतना कहकर जादूगरनी गीता को बिल्ली से इंसान बना देती है। गीता यह सारी बातें सुन रही थी तो उसे अपने केप पर बहुत पछतावा होता है और वह सीमा से माफी मांगती है। दीदी, मैंने हमेशा आपके साथ कितना बुरा किया, आपको कभी बड़ी बहन नहीं माना, यहाँ तक कि आपको मारने के लिए भी तैयार हो गई, फिर भी आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। दीदी, आप बहुत अच्छी हैं, आपके अच्छे स्वभाव की वजह से ही माँ आपसे प्यार करती है। दीदी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, आज के बाद मैं कभी कोई बुरे काम नहीं करूँगी, कभी कोई लालच नहीं करूँगी, बस आप मुझे अपना जैसा बना देना। सीमा गीता को माफ कर देती है और वह जादूगरनी दोनों बहनों का इतना प्यार देखकर बहुत खुश होती है और वह अपना जादुई फ्रॉक दोनों बहनों को दे देती है, जिसकी धन दौलत से दोनों बहन बहुत ज्यादा अमीर हो जाती हैं और अपनी माँ का इलाज बहुत बड़े हॉस्पिटल में कराती हैं। सावित्री बिल्कुल ठीक हो जाती है और जादुई फ्रॉक की मदद से अपना बहुत बड़ा बुटीक चलाती है और पूरा परिवार इसी तरह हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है। एक बार की बात है, एक राजमहल में दो रानियां, रानी जानकी देवी और रानी कावेरी देवी, यह दोनों रानियां राजा विक्रम सिंह की पत्नी हैं। राजा विक्रम सिंह अपनी दोनों रानियों को एक समान ही प्यार क्या करते थे, लेकिन रानी जानकी देवी वह स्वभाव की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, वह रानी कावेरी देवी से जलती थी। ऐसे ही नोक छोक में समय बीत रहा था, राजमहल में खुशियां आने वाली थी, दोनों रानियां माँ बनने वाली थी। कुछ समय बाद राजा विक्रम सिंह को खुशियां मिलती हैं कि उनके महल में एक नहीं दो दो राजकुमारियों ने जन्म लिया है। यह सुनकर राजा विक्रम सिंह खुशी से झूम उठते हैं और वह रानी कावेरी देवी के पास जाते हैं। तभी रानी कावेरी देवी की दासी राजा से कहती हैं, राजा जी, हमें आपको बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि अब हमारे बीच रानी कावेरी देवी नहीं रही, राजकुमारी को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो गई। राजा विक्रम सिंह अपनी नवजात बच्ची को अपने हाथ में लेते हैं और बहुत रोते हैं, उन्हें बहुत दुख होता है। लेकिन जब इस बात की खबर रानी जानकी देवी को लगती है कि अब रानी कावेरी देवी नहीं रही, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह अपनी बहन सुमित्रा से कहती हैं, अरे वाह बहन, तुमने तो सही भविष्यवाणी की थी कि वह कावेरी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी, और जैसा कि आपने कहा था वैसे ही हुआ। मेरा कांटा हमेशा हमेशा के लिए साफ हो गया, अब मैं इकलौती राजा विक्रम सिंह की पत्नी हूँ, रानी जानकी देवी। जानकी, इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, राजा विक्रम जी रो रहे थे, मैं उन्हें दिलासा देने गई, उन्होंने तो अपनी बेटी को देखा नहीं, लेकिन तभी मैंने देखा रानी कावेरी देवी की बेटी। मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो कितनी ज्यादा सुंदर है, बिल्कुल परियों की तरह, रंग बिल्कुल सफेद, बाल सुनहरी नीली नीली, झील जैसी आंखें, सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। मेरी ये भी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं होगी, उसकी सुंदरता पूरे राज्य में धूम मचा देगी, धूम। अरे राजा जी आइए, अच्छा अब मुझे आज्ञा दीजिए। राजा जी, कावेरी बहन के बारे में सुना बहुत दुख हुआ, लाइए हमारी दूसरी राजकुमारी को हमें दे दीजिए, और आप इस बात की चिंता मत कीजिए, जैसे मेरी बेटी वैसे ही कावेरी बहन की बेटी भी मेरी बेटी है, मैं दोनों में कभी कोई फर्क नहीं करूंगी। रानी जानकी देवी, हमें आपसे यही उम्मीद थी, अब मुझे जाना होगा, मुझे राजा भानु प्रताप सिंह से मिलना है, थोड़ा समय लग जाएगा।
ऐसा कहकर राजा विक्रम सिंह दूसरे राज्य चले जाते हैं। राजा भानु प्रताप सिंह से मिलने जब जानकी देवी की नजर कावेरी की बेटी के ऊपर जाती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह अपनी बेटी का नाम नैना और कावेरी की बेटी का नाम सुनैना रखती है। तभी वह अपनी बहन को बुलाती है और उससे कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, यह तो सच में परियों की तरह सुंदर है। मेरी बेटी तो इसके सामने कुछ नहीं। जब तक वो कावेरी जिंदा थी तब तक उसने राज किया, अब वह मर गई तो उसकी बेटी राज करेगी? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या तुम कुछ कर सकती हो? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तक रानी कावेरी देवी की बेटी को किसी ने नहीं देखा। अगर तुम कहो तो एक जादूगरनी की सहायता लेकर इसे बदसूरत बना सकते हैं। रानी जानकी देवी तुरंत तैयार हो जाती हैं। जादूगरनी से जादू टोना करवाकर वह बेचारी सुनैना नवजात बच्ची को, जिसने अभी कुछ नहीं देखा, उसके साथ जानकी देवी और उसकी बहन इतना बुरा कर रही थी। वह जादूगरनी सुनैना को पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए गंजी कर देती है और उसका रंग बिल्कुल काला, जिसे देखकर रानी जानकी देवी बहुत खुश होती है। अब आया ना मजा, कितनी ज्यादा बदसूरत होगी। अब तो बस मेरी बेटी के ही चर्चे होंगे। इस गंजी काली कलूटी के नहीं, इसे तो कोई राजकुमारी भी नहीं समझेगा। ऐसा सोचकर जानकी बहुत खुश होती है और समय के साथ साथ नैना और सुनैना दोनों बड़ी हो जाती हैं। सुनैना को अपने गंजे होने की वजह से और अपने रंग रूप की वजह से बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता था। नैना और सुनैना का जन्मदिन आता है। राजा विक्रम सिंह बहुत धूमधाम से अपनी दोनों राजकुमारी बेटियों का जन्मदिन मनाना चाहते थे। वह राज्य के सभी लोगों को बुलाते हैं। तभी नैना की कुछ दोस्त सुनैना का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, अरे देखो देखो कैसी राजकुमारी है, गंजी काली कलूटी। ऐसी राजकुमारी तो हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। राजकुमारी तो सिर्फ एक ही लगती है, वो है नैना। पता नहीं इतनी बदसूरत लड़की ने राजमहल में कैसे जन्म ले लिया। इसे तो हमें राजकुमारी कहते हुए भी शर्म आती है। गंजी, अगर इसका जन्मदिन होता तो हम तो कभी नहीं आते। इतनी बदसूरत लड़की के जन्मदिन पार्टी में हम तो सिर्फ नैना तुम्हारी वजह से आए हैं। देखा गंजी काली कलूटी, तेरी वजह से हमारी कितनी ज्यादा इंसल्ट हो रही है। तो इस राजमहल पर धब्बा है धब्बा। मेरा जन्मदिन तेरे साथ नहीं होता तो कितना अच्छा होता, मैं अलग जन्मदिन सेलिब्रेट करती। मुझे तो जैसी काली कलूटी गंजी के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना नहीं होता। चल अब मुझसे थोड़ी दूर होकर खड़ी हो, वरना तेरा काला साया मुझे भी बदसूरत कर देगा। नैना, मैं गंजी हूँ, काली हूँ, बदसूरत हूँ, जैसी भी हूँ, लेकिन हूँ तो तुम्हारी बहन ही, और मैं भी तो राजकुमारी हूँ। इस तरह से मेरी इंसल्ट तो मत करो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सब तो मेरा मजाक उड़ाते ही हैं। कम से कम तुम तो मेरे दुख को समझो। मुझे भी बुरा लगता है कि जब यह मुझे काली कलूटी गंजी कहती है, मुझे राजकुमारी नहीं मानती, सब बस तुम से ही प्यार करते हैं। इसी तरह से सब बेचारी सुनैना का मजाक उड़ाते थे और सुनैना बेचारी बस रोती रहती थी। वह इतनी बदसूरत क्यों है, लेकिन बेचारी को कहां पता था कि वह सुंदर थी। यह तो सब उसकी सौतेली माँ का करा धरा है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन रानी जानकी देवी और दोनों राजकुमारी नैना और सुनैना को बहुत दुखद खबर मिलती है कि अब राजा विक्रम सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर सुनैना का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी मुझे इस तरह से अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। कह दो कि ये झूठ है। वो इस तरह से हमें अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अब मैं पिताजी के बिना कैसे रहूंगी? माँ के बिना तो मैंने रहना सीख लिया था, लेकिन अब पिताजी के बिना, वो भी मुझे अकेले छोड़ के माँ के पास चले गए। माँ तो पहले ही छोड़ के चली गई। मनहूस करमजली, अब ये रोना धोना बंद कर। जब देखो मुझे उनके सामने तेरी गुलामी करनी पड़ती थी, तो जैसे गंजी काली बस सूरत की, अब मुझे सुकून के सांस आएंगी। और अगर तेरा रोना धोना खत्म हो गया हो तो चल अपने सुंदर वस्त्र उतार, गहने उतार और दासी के कपड़े पहन। अब मैं सभी नौकरों की छुट्टी कर दूंगी, क्योंकि तू मुफ्त में हमारे लिए काम करेगी। अब तो राजकुमारी नहीं है, समझ में आ रही है?
ऐसा कहकर जानकी बेचारी सुनैना के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म और अत्याचार करती, उससे पूरे राजमहल की सफाई करवाती, बर्तन साफ करवाती, कपड़े धुलवाती और उसे बाहर एक टूटे फूटे स्टोर रूम में रहने के लिए जगह देती और पहनने के लिए भी फटे पुराने कपड़े और खाने के लिए भी रूखा सूखा खाना, जिस वजह से वह बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। ऐसे ही एक दिन नैना सुनैना से कहती है, सुन गंजी काली कलूटी बस सूरत, जल्दी इधर आ और मेरे लिए सुनहरी बगीचे से ताजी ताजी फूल लेकर आ। जब देखो 24 घंटे काम चोर काम करने से बसती रहती है। बेचारी सुनैना सुबह से घर के काम कर रही थी और उसके बाद नैना के लिए सुनहरी बगीचे से फूल लेने के लिए निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में एक जख्मी चिड़िया मिलती है जो पूरी तरह से जख्मी थी। सुनैना उस जख्मी चिड़िया की मदद करती है और जैसे ही वह ठीक हो जाती है तो वह एक सुंदर परी के रूप में आ जाती है और वह सुनैना से कहती है, मैं रानी परी हूँ, एक जादूगरनी ने मुझे चिड़िया बना दिया। वो मेरी शक्तियाँ लेना चाहती थी लेकिन समय रहते उसके चंगुल से भागकर मैं यहाँ आ गई और जख्मी हो गई। अगर तुम मेरी मदद ना करती तो मैं मर जाती और अगर मैं मर जाती तो मेरी सारी शक्तियाँ उस जादूगरनी के पास चली जाती। इसलिए तुमने मेरी मदद की है, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ, बताओ तुम क्या चाहती हो? रानी परी जी, सब मेरे रंग रूप का, मेरे गंजे होने का बहुत मजाक उड़ाते हैं। टकली टकली काली कलूटी, पता नहीं मुझे किस किस नाम से पुकारते हैं। कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं करता और मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन भी मुझे मेरे रंग रूप की वजह से बहुत परेशान करती हैं। कहने के लिए मैं एक राजकुमारी हूँ लेकिन मेरे साथ नौकरों से भी ज्यादा बुरा बर्ताव करती हैं। ठीक है सुनैना, मैं तुम्हें सोने के बाल देती हूँ जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी और जादुई सोने के बाल तुम्हारी सुंदरता में 4 चांद लगाएंगे। लेकिन सुनैना, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहती हूँ, तुम हमेशा की ऐसी नहीं थी। तुम्हारी सौतेली माँ ने बचपन में एक जादूगरनी से जादू टोना कराकर तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम्हें इसका बदला लेना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें जादुई चांदी के बाल देती हूँ। रानी परी सुनैना को जादुई सोने के बाल दे देती हैं जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। अपनी सौतेली माँ की सच्चाई जानकर उसे बहुत दुख होता है और वह रानी परी के जादुई चांदी के बाल लेकर महल वापस आ जाती है। सुनैना को इतना ज्यादा सुंदर देखकर दोनों माँ बेटी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी सुनैना अपनी सौतेली माँ और बहन से कहती है, माँ और नैना, आपको पता है मुझे एक रानी परी मिली थी जिन्होंने मुझे जादुई सोने और चांदी के बाल दिए। सोने के बाल लगाकर मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई और चांदी के बाल अगर तुम लगा लोगी नैना तो तुम दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की बन जाओगी, मुझसे रानी परी ने ऐसे ही कहा था। यह सुनकर नैना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वह नाचने लगती है और वह उससे जादुई चांदी के बाल छीनकर जैसे ही लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। यह देखकर जानकी आग बबूला हो जाती है और वह जैसे ही सुनैना को मारने के लिए हाथ उठाती है तो सुनैना अपनी सौतेली माँ को धक्का देकर बहुत दूर गिरा देती है और कहती है, आपकी जलन की वजह से मेरा पूरा बचपन खराब हो गया। लोगों के ताने सुन सुनकर मुझे कितना बुरा लगता था। मेरा दिल ऐसा भी करता था कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। लेकिन आपके दिल में जरा भी रहम नहीं आया मेरे लिए। आपने मैं ज्यादा सुंदर ना दिखूं, बस सूरत हो जाऊं, एक जादूगरनी का सहारा लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी सजा ये नहीं है। तुम्हारी बेटी इसी तरह से बस सूरत रहेगी और तुम्हें काल कोठरी की सजा होगी। अब तुम्हें रानी पद से हटा दिया जाएगा। ऐसा कहकर सुनैना अगले दिन राज्य के सभी लोगों को राजमहल में बुलाती है और अपनी सौतेली माँ की सारी सच्चाई सबको बताती है तो राज्य के सभी लोग भी जानकी को काल कोठरी की सजा सुनाने के लिए कहते हैं और जानकी को काल कोठरी की सजा हो जाती है और नैना इसी तरह हमेशा हमेशा के लिए बस सूरत हो जाती है। इसी तरह दोनों माँ बेटी को उनके के की सजा मिल जाती है और सुनैना राजकुमारी बनकर एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।